नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर, स्वागत है आपका news.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन जो कुछ लोगों की नियमों की अनदेखी के कारण सारे लोगों को झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन जो कुछ लोगों की देर होशियारी का जो खामियाजा सारे शहर को, सारे जिले को भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन जो कुछ लोगों का फैसला अधिकांश लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन लग गया, अच्छा हुआ लग गया। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के पहले के जो दो दिन थे, क्या उसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखी? रविवार को तो ऐसी भीड़ उमड़ी, और दूसरे दिन में वो ऐसा लगा कि जो 7 दिन में जो कोरोना के संक्रमण पर जितना नियंत्रण पाया जाएगा, उससे ज्यादा उस 2 दिन में संक्रमण हो गया होगा। कोई माई बाप नहीं था 2 दिनों तक, सब उमड़ पड़े। जैसे बरसात, पहली बरसात के बाद बिल से चींटियां निकलती भरभरा के, वैसे सब निकल आए थे। शहर में ऐसी भीड़ की दिवाली के पहले की जो खरीदारी होती वैसी भीड़। तो 7 दिन, आप 7 दिन में क्या कर लोगे? 7 दिन के लॉकडाउन में क्या हो जाएगा? एक मरीज को आप 7 दिन की दवा एक ही दिन में दे दोगे तो ठीक हो जाएगा? 7 दिन लॉकडाउन के रहेंगे, 8वें दिन फिर वही ब्रेकडाउन, नियमों का ब्रेकडाउन, फिर वही चालू, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं का। अरे आप ढंग से मास्क तो पहनना नहीं सिखा पाए 6 महीने में, ना ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग सिखा पाया, ना ढंग से मास्क पहनना सिखा पाया। लागू कर दिए लॉकडाउन। लॉकडाउन लागू करने के फैसले पे किसी को एतराज नहीं, अच्छा फैसला है। लेकिन इस फैसले से ज्यादा अच्छा होता कि आप जो पिछले 5-6 महीने गए उसमें लगातार मॉनिटरिंग करते, लगातार कार्रवाइयां करते, लगातार अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती, लगातार मास्क पहनाने पे जोर दिया जाता, लगातार उसके प्रिवेंशन के जो उपाय हैं उस पर जोर दिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। जब मामला हाथ से निकलता चला गया, जब लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ते गए, तब होश आया। और फिर वही सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, लागू कर दिया कोरोना लॉकडाउन। उन लोगों का क्या दोष? नियमों की धज्जियां उड़ाई अपर क्लास ने, अंगूठा दिखाया, ठेंगा दिखाया जो नियमों को, वो अपर क्लास ने, मिडिल क्लास ने। घूम रहे कार में, घूम रहे देखने, माहौल देखने निकल रहे। गरीब को तो रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं थी, वो गरीब सजा भुगत रहा है। उस गरीब को अब रोजी रोटी भी नसीब नहीं। जो मजा लेता था, माहौल देखने जाता था, उसको तो आज भी फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के अपर क्लास को 7 दिन नहीं, आप 7 महीने का लॉकडाउन कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका घर भरा हुआ है। लेकिन जिसका घर रोज खाली होता था और रोज भरता था, उसका क्या? फिर लॉकडाउन में जो होम क्वारंटाइन है, जो होम क्वारंटाइन को जो घर घर से जो खाना जाता था, समाज सेवियों को खाना जाता था, अड़ोस पड़ोस से खाना जाता था, उसका क्या? आपने समाज सेवी संगठन को भी चलो रहने दो, देख लेंगे हम। और ये नौबत आई क्यों? लॉकडाउन की नौबत आई क्यों? क्योंकि आपने जो पिछले जो लंबे समय तक जो छूट दी, छूट क्या दी? खुद ही चादर ओढ़ के सो गए थे। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोई, आराम बड़ी चीज, मुंह ढक के सोई, सो गए थे मुंह ढक के, सब ठीक। अरे सब ठीक नहीं है, बढ़ता चला गया था कोरोना, रोज चिल्ला रहे थे, रोज खबर छाप रहे थे, और अखबार वाले बता रहे थे कोरोना बढ़ा, कोरोना बढ़ा, कोरोना बढ़ा, तुम बंद रहो, तुम घर में रहो।
अरे तो अखबार वाला घर में रहेगा तो कोरोना नहीं बढ़ेगा क्या? अखबार वाला रोज पेपर के साथ लेके जाता है, मीडिया वाले पेपर के साथ लेके जाते हैं, लो कोरोना लो, चार कोरोना लो, चार पांच कोरोना लो, वो बढ़ा रहे हैं क्या कोरोना? उनको बंद कर रहे थे। अब रायपुर में वाला जो सुधरा तो दुर्ग वाले वो लगा दिए, घर में रहो, होम वर्क टू होम। और दुर्ग में तो बहुत भयंकर, 17 तारीख को अनाउंस किए कि 20 से 30 तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो है वो रहेगा लॉकडाउन। अचानक 21 तारीख को नया फरमान आ गया, अब पूरे जिले में कर दिए, और जो छूट थी वो भी बंद कर दिए जिन दुकानों को छूट थी। अरे कोई एक फैसला तो करो, फैसला निकलता है संशोधन का आदेश आ जाता है। तो लोग तो फैसला आएगा, कोई आदेश आएगा तो सोचेंगे कि भाई अब इसके बाद संशोधन वाला आदेश आ ही रहा है, तो फिर बढ़िया है, फिर चलो संशोधन संशोधन खेले। कभी तो एक फैसला भी नहीं ले पा रहे सही, एक फैसला लेने के बाद सप्लीमेंट्री फैसला आता है। दुर्ग जिले में नगरी निकाय के बाद अब पूरा जिला क्या हो रहा? और उनका क्या जो रोजी रोटी जिनकी रोज की जिनके घर रोज चूल्हा जलता था, उनका चूल्हा कैसे जलेगा? कौन खाना देगा? पहले समाज सेवी संगठन खाना बांटते थे तो वो जाके खाना ले आते थे वहां से, समाज सेवी संगठनों को भी खाना बांटने से मना कर दिया, तो खाना कैसे आएगा उनके घर में? महीने का आखिरी आखिरी सप्ताह, बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता महीने का आखिरी हो या साल का आखिरी हो, उनका घर तो भरा रहता है, बैंक है, एटीएम है, फोन है, दुनिया भर का, और वैसे भी कोई चीज की कमी रहती नहीं। जितने में इनका घर चलता है उतने में तो उनके यहाँ का जो है वो जो कोई उनके घर में जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में साथ में घूमते तकदीर वाले जो नौकर साथ में लेके आगे आगे चलता है, टाइगर पाइगर रॉकी फॉकी, उस पे ज्यादा खर्चा होता है। तो कहां से खाएगा ये? 7 दिन का कैसे घर भर लेगा? 7 दिन का किराना जो एक दिन रोज कमा के रोज खाता है 7 दिन का भर लेगा? पैसा रहेगा तब तो दुकानदार देगा। गजब, कुछ लोगों का मजा जो है आज आम आदमी और गरीबों के लिए सजा बन गया है, परेशान है। और उनको जो जो मदद मिल जाती थी समाज सेवी संगठनों से उसको भी बंद कर दिया आपने। अरे उसको चालू रहने देते क्या फर्क पड़ता है? समाज सेवी संगठन अगर खाना खिला देते तो, अगर पैकेट बांट देते तो, कम हो रहा है, टेस्ट कम हो रहे हैं। और ये 7 दिन के बाद लॉकडाउन के बाद क्या सुधर जाएगी पब्लिक? 7 दिन में हो जाएगा कोरोना कंट्रोल, और 7 दिन में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो इस 7 दिनों में जो गरीबों की रोजी रोटी गई वो कौन जिम्मेदार होगा? अरे लगातार मॉनिटरिंग करिए, लगातार, ये छोटी मोटी जो समस्या नहीं है कोरोना, वैश्विक समस्या है, वैश्विक। और इसका जब तोड़ नहीं है, इसका जब इलाज नहीं है, इसकी जब वैक्सीन नहीं आई है, इस पर सिर्फ सावधानी जरूरी है, तो सावधानी जरूरी है तो सावधान रहने पे आप करिए ना, मजबूर लोगों को चलाइए ना अनुशासन का डंडा, कोई मना नहीं करता, सब स्वागत करेंगे। लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना 7 दिन का अनुशासन उसके बाद जाओ खुल्ला 3 महीने घूमो फिरो जाओ सोशल डिस्टेंसिंग के रज्जे उड़ाओ मजा करो और फिर हम 7 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे हो जाएगा ठीक। अरे ये 7 दिन के लॉकडाउन में जितना आप संक्रमण पर नियंत्रण नहीं पाएंगे उतना जो है ना वो 2 दिन जो गए उसी में वो बराबर कर दिए, उससे ज्यादा फैला दिए होंगे। व्यवहारिक बनिए, व्यवहारिक फैसले लीजिए, और उन लोगों का भी ख्याल रखिए जो आप जैसे नहीं है, आप जैसे सौभाग्यशाली नहीं है, आप जैसे समृद्ध नहीं है,
आप जैसे सुखी नहीं है उनका ख्याल रखिए, जिनको रोज कमाना है और रोज खाना है। नमस्कार, अगले अंक तक लीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.